हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net। आज के वीडियो में हम शॉपिंग एड्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को बनाना है, उसे अच्छे से संभाल के रखना है और उसके बेस पर शॉपिंग एड्स को कैसे बनाया जाए, कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे इन्हें रन किया जाए। जल्दी से बिना टाइम बिताए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शॉपिंग एड्स को बनाना शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और नया कैंपेन बनाने के लिए या तो आप कैंपेन विंडो पर जाएं और इसके बाद आप यहाँ बाएं क्लिक करें या फिर आप सीधे सीधे इस बटन पर क्लिक करेंगे, बड़ी वाली जो बटन है रंग बिरंगी, इस पर क्लिक करें और फिर सेलेक्ट कर लें कैंपेन। कैंपेन पर सेलेक्ट करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। एक दिन होगा जब हम इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी बात करेंगे, अगर अभी तक नहीं किए ऑलरेडी, बट तब तक के लिए हम कर देते हैं क्लिक इस क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस पर। यानी कि हमारा कोई मकसद नहीं है भाई, हमें अभी फीचर देखना है। ओके, तो क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस आ चुका है ऑप्शन और यहां पर हम शॉपिंग ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। शॉपिंग ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमें यहां पर बहुत सारे गोल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी इस अकाउंट में पहले से हैं। तो एक बार इन्हें हटा देते हैं क्योंकि अभी इनकी जरूरत है नहीं खास। हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सारा डेमो वाला अकाउंट है तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं, दैट्स फाइन। नाउ यहां पर आप देखेंगे कि जो ये शॉपिंग कैंपेन है, ये शॉपिंग कैंपेन दिखता कैसे अच्छा है, एक बार देख लेते हैं। ये रनिंग शूज यहां पर आकर मैं सर्च करता हूं, ठीक है। जब मैंने रनिंग शूज सर्च किया तो ये यहां पर स्पॉन्सर्ड वाला कैरसल दिखाई दे रहा है। ये है शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स यानी शॉपिंग किस चीज की होती है, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट होगा तो एड होगा, राइट। तो सिमिलरली यहां पर गूगल आपसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहता है। अब प्रोडक्ट गूगल में कहां पर एड किए जाते हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर में। सो आप जब शॉपिंग एड्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास मर्चेंट सेंटर और मर्चेंट सेंटर के अंदर प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके जिस भी अकाउंट से आप बना रहे हो शॉपिंग कैंपेन को, जिस भी गूगल एड अकाउंट से बना रहे हो, अगर उसी जीमेल अकाउंट, उसी गूगल अकाउंट के अंदर कोई भी गूगल मर्चेंट सेंटर वाले अकाउंट का एक्सेस नहीं है तो फिर आप ये कैंपेन नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी आपको ये एक डेमो अकाउंट दिखाई दे रहा है, डमी अकाउंट है मर्चेंट सेंटर जो हमने बना रखा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, राइट। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, तो अब ये मुझे कैंपेन आगे नहीं बनाने देगा, राइट। मैं एक बार क्लिक करता हूँ कंटिन्यू बटन पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है शॉपिंग कैंपेन, किस टाइप का कैंपेन मुझे बनाना है, और मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे अकाउंट पहले मांगेगा। अगर गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट नहीं बनाते हैं, नहीं ऐड करते हैं, तो यहाँ पर नहीं आगे बढ़ सकता मैं। तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा और मर्चेंट सेंटर को सेलेक्ट करना होगा, मर्चेंट सेंटर के अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। अब इसमें प्रोडक्ट नहीं है ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। तो खैर अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे वार्निंग देगा कि भाई आप कोई भी अकाउंट नहीं बना पाओगे इस तरह से, बट ठीक है अभी के लिए काम चल जाएगा मेरा इस डेमो के लिए। नाउ यहाँ पर आपको जैसे ही आपने गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है पहला परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाने का, दूसरा है स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बनाने का। अब परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन तो जैसे आपने बनाए हैं वैसे ही बनेंगे, ओके। गूगल के अपने बेस्ट ऑटोमेशन AI VI सब कुछ चीजें यूज करके आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बना लोगे, उस पर भी आ जाएंगे बाद में। वैसे भी अपने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ऑलरेडी देखे हुए हैं, अभी हम फिलहाल स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बनाना चाहते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का थोड़ा सा एक इशू ये है कि वो खर्चा ज्यादा करता है शुरुआत में, क्योंकि ये है AI बेस्ड एड, राइट। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या है, AI बेस्ड एड। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि गेट द बेस्ट ऑफ गूगल्स ऑटोमेशन टू रीच। तो जब भी कोई भी चीज AI बेस्ड होती है तो उसमें क्या होता है कि ठीक है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि वो बेनिफिट तब मिलेगा जब उसके पास इनफ डेटा कलेक्ट हो जाएगा। और डेटा जो है वो कलेक्ट कब होगा, जब आप एड रन करोगे। तो एड रन करोगे तो बजट लगेगा, यानी कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से आपको अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए शुरुआत में बजट खर्च करना पड़ता है। अगर आप स्मॉल बजट पे, स्मॉल बजट क्लाइंट के अगर आप एड रन करने जा रहे हैं, तो फिर उसके पास एड में डेटा लाने का खर्च करने के लिए बजट नहीं हो सकता है, है ना। वो बहुत पहले का एक सॉन्ग है, वही बैठता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के ऊपर एकदम फिट। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन दोस्ती की तरह है, दोस्ती इम्तहान लेती है। तो ये जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की दोस्ती, ये इम्तहान नहीं लेती है, पैसे लेती है। तो अभी फिलहाल इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आप स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन को चलाने बनाने की जो थोड़ी बहुत यू नो बारीक चीजें उन्हें समझ जाएं। बाकी फिर तो परफॉर्मेंस कैंपेन आपने ऑलरेडी देख रखा है किसी एक पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको नंबर अभी यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू बटन पर, परफॉर्मेंस कैंपेन की जगह हमने स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले हमें क्या देना है, नाम
कैंपेन का नाम दे लेते हैं शॉपिंग कैंपेन वन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स हैं कुछ, तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में आप थोड़े बहुत अपने प्रोडक्ट्स को लेकर सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, भगवान करे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो, लेकिन आप ऐड तो किसी एक खास प्रोडक्ट का ही चलाना चाहते हो, ऐसा नहीं चाहते हो पूरी दुकान का ऐड रन कर दो, है ना। तो कैसे सेलेक्ट करोगे आप कि जो चुनिंदा प्रोडक्ट है सिर्फ उन्हीं का कैंपेन चलाया जाए, उन्हीं के ऊपर ऐड चलाया जाए, ये यहां से पॉसिबल है इन्वेंटरी फिल्टर से। तो अगर मैं इन्वेंटरी फिल्टर पर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर अभी तो नो फिल्टर है, यानी कि आपकी गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबके ऊपर ऐड चलेगा एक बार में, यानी कि जो आपके लेट से आपके गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में 10-12 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक मिनट ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो लेट से कि एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, इन सभी के ऊपर आपका जो एक ही बजट है उसी से ऐड रन किया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कुछ खास प्रोडक्ट के ऊपर ही ऐड चलाया जाए, तो आप यहां पर फिल्टर बटन पर क्लिक करोगे। जब आप फिल्टर पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया मिल जाता है। तो अब आप प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट एक सेलेक्ट करो, लेट से कि एक किसी खास कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की ऐड चलाने हैं आपको, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया यहां अपने पहले ड्रॉप डाउन से और यहां पर कैटेगरी डाल दो, मे बी लेट से शूज या रनिंग शूज। जब आपके गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में वो कैटेगरी होगी तो यहाँ पर वो मैचिंग कैटेगरी दिखाई दी जाएगी, आप सेलेक्ट कर लोगे और उसी कैटेगरी के सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चलाया जाएगा। या फिर आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, लेट से आपके अकाउंट में 10-12 अलग अलग ब्रांड हैं, उन सबके प्रोडक्ट हैं, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का आपको ऐड रन करना है, लेट से कि आप सिर्फ एडिडास ब्रांड के प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, एडिडास यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पर ब्रांड दिखाई भी दे रहा है, शायद हमने कुछ बनाया होगा ब्रांड वैंड कैटेगरी डेमो के लिए, यहाँ पर तो एडिडास दिखाई दे रहा, तो हम एडिडास सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एडिडास ब्रांड के प्रोडक्ट पर ही ऐड आपके रन करने की सहूलियत गूगल ऐड से मिल जाती है। नाउ कितने प्रोडक्ट हैं एडिडास ब्रांड के यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, अभी यहाँ पर जीरो है, कोई है ही नहीं, तो क्या ही कर सकते, ठीक है। सिमिलरली आप आइटम आईडी को सेलेक्ट कर सकते हो, मे बी लेट्स से कि आपके पास 10-12 प्रोडक्ट हैं, राइट, 10-12 प्रोडक्ट की आइटम आईडी आपको पता है। ब्रांड के नेम पर आप अलग नहीं कर सकते हो, कैटेगरी के बेस पर अलग नहीं कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग ब्रांड के सिर्फ 10 प्रोडक्ट हैं, उन्हीं 10 प्रोडक्ट पर आपको ऐड चलाएं, तो हर एक प्रोडक्ट की आइटम आईडी ले लो। यहाँ पर आइटम आईडी लेट्स से 1101 हो गया, ठीक है, सर्च कर लेता, लेट्स से ये हो गया, ठीक है। और दूसरा नहीं, दोबारा और फिल्टर लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर कॉमा से नहीं करना है। तो यहाँ पर आप कुछ खास आइटम आईडी के प्रोडक्ट्स को ही जो है वो ऐड कर सकते हो मैन्युअली, एक के बाद एक कॉमा लगा लगा के, और इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट इस आईडी के अंदर मैच हो जाएंगे उनका ऐड यहाँ पर चलने लगेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कंडीशन के बेस पर, लेट्स से आपके पास नए पुराने हर तरह के प्रोडक्ट हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स के सिर्फ नए प्रोडक्ट्स को या यूज प्रोडक्ट के ऐड रन कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट टाइप है और फिर जो कस्टम लेबल्स हैं उन कस्टम लेबल के बेस पर भी आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ऐड को रन कर सकते हो। अभी क्योंकि इस पूरे अकाउंट में कोई भी प्रोडक्ट है ही नहीं ऐसा अलग अलग, तो हम नो फिल्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक ये छोटा सा टिक है कि अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट है जो आपने एज लोकल प्रोडक्ट असाइन कर रखे हैं और आप नहीं चाहते हो कि जो लोकल प्रोडक्ट है, जो लोकल स्टोर पर प्रोडक्ट बिकते हैं उनके ऊपर ऐड चलाया जाए, तो आप इसे ऑफ रहने दो। अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो आपके ऐसे प्रोडक्ट जिन जो लोकल स्टोर पे बेचे जाते हैं उनके ऊपर भी ऐड रन होगा, ठीक है। खैर वापस आ जाते हैं, यहाँ पर बिडिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैनुअल्स और टारगेट्स आरओएस और मैक्सिमाइज क्लिक्स, तीन अलग अलग टाइप की आपको बिड स्ट्रेटजीज दिखाई दे रही है। मैनुअल सीपीसी, मैनुअल बिड स्ट्रेटजी, ऑब्वियसली मैनुअल बीच में लिखा हुआ है, राइट। ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजी है, टारगेट आरओएस और मैक्सिमाइज क्लिक, राइट। तो मैनुअल सीपीसी का मतलब ये हो गया, जब आप इसे सेलेक्ट कर रहे हो तो आप बता रहे हो गूगल को कि भाई मैं बताऊंगा कि हर एक क्लिक का मैं कितना पैसा देना चाहता हूं, ठीक है। और ये नीचे अमाउंट आ जाएगा आपको देने का, सीपीसी बिड ऊपर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर आप कर दे तो मैक्सिमाइज क्लिक, तो अब क्या होगा कि प्लेटफॉर्म, गूगल एड प्लेटफॉर्म ये देखेगा कि मेरे पास जो भी बजट है मुझे उसमें सबसे ज्यादा क्लिक्स लेके आनी है, प्रोडक्ट बिके ना बिके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लेके आनी है सिर्फ। या अगर आप आरओएस कर लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है, कुछ प्रोडक्ट महंगे होंगे कुछ प्रोडक्ट सस्ते होंगे, ये महंगे प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेगा ताकि आपका आरओएस यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड बढ़ जाए। आरओएस का मतलब क्या हुआ, ये रहा आरओएस,
इसका मतलब हुआ कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो बढ़ जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट नजर आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट की तरफ बात हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं बजट के ऊपर, है ना। हमारा जो बजट है वो इस कैंपेन का क्या होगा, और बजट भी कैसा, ये डेली वाला बजट। ठीक है, डेली बजट आपको कितना सेट करना है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब सेट कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर 1000 रुपीज कर देता हूँ, यानी कि महीने भर में कितना खर्च होगा, 30 का महीना है तो 30,000, 31 का महीना है तो 31,000, और फरवरी में है तो 28,000 या 29,000, जो भी है। ठीक है, समझ गया। इसके बाद आ जाता है कैंपेन प्रियोरिटी वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इस कैंपेन की प्रियोरिटी अपनी क्या है। लो यानी कि बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ही शॉपिंग कैंपेन चला रहे हो आप, तो ये अपना कैसे भी, अगर आप इसको लो की जगह मीडियम कर लोगे तो भी सेम है, और हाई कर लोगे तो भी सेम है। मतलब क्योंकि रीजन है, अगर रेस में अकेले ही दौड़ रहे हो तो चाहे जिस नंबर पे दौड़ो आप फर्स्ट ही आने वाले हो, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा शॉपिंग कैंपेन है तो यहाँ पर आप कैंपेन की प्रायोरिटी के बेस पर डिसाइड कर सकते हो। लेट से कि आपके पास बहुत सारे कैंपेन है, 3 कैंपेन है, और तीनों एक ही टाइप के ब्रांड या प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो यू कैन डिसाइड कि किस कैंपेन को प्रायोरिटी हाई रखनी है, किसको मीडियम देनी है, और किसको लो यानी कि डिफॉल्ट देना है। सबसे कम जिस कैंपेन को आप हाई प्रायोरिटी दोगे ऑब्वियसली उसके एड ज्यादा दिखाई देंगे, जिसको आप लो कर दोगे उसके एड कम दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। वैसे यहाँ पर मैं भूल गया बोलना, अगर यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही कैंपेन तो आप लो रहने दें, अदरवाइज आप हाई और मीडियम में से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है टारगेट नेटवर्क को सेलेक्ट करने का ऑप्शन, यानी कि आप ये जो एड है ये सिर्फ गूगल सर्च पर चलाना चाहते हैं या गूगल सर्च पार्टनर्स पर भी चलाना चाहते हैं, यानी कि ऐसी वेबसाइट जहां पर गूगल सर्च को अभी तक यूज किया जा रहा है। ये सारी वेबसाइट्स पुरानी होंगी, आउटडेटेड होंगी, इन पर कोई भी आपको नया बायर नहीं मिलेगा, इसे पक्का 100% ऑफ कर देना है। गूगल वार्निंग दिखाए, हाथ पैर पटके, रोए धोए, कुछ भी करे, इसको ऑन नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर डिवाइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये एड बाय डिफॉल्ट सभी डिवाइसेस पर दिखाया जाएगा, जो इसे भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, नाउ इसके बाद यहां पर आ जाते हैं। इसके बाद लोकेशन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। लोकेशन के ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स में समझाए हुए हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के लिए इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा। इसके बाद स्टार्ट और एंड डेट का ऑप्शन है, कब से ऐड चालू करना है और कब खत्म करना है दोनों डिसाइड करो। इसके बाद अपने ऐड ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, शॉपिंग कैंपेन नो फिल्टर। ठीक है, हमने कोई भी फिल्टर लगाया नहीं क्योंकि अभी शॉपिंग स्पेलिंग कर दी मैंने गलत, शॉपिंग इतनी करी नहीं कभी। ठीक है, इसके बाद क्लिक कर देते हैं क्रिएट कैंपेन बटन पर। यहाँ पर 4 OS मैंने सेलेक्ट कर रखा था, इसको मैक्स मैनुअल CPC कर देता हूँ, और मैनुअल CPC करते हैं। यहाँ पर नीचे मुझसे बिडिंग पूछ रहा है, मतलब मैनुअल CPC बोल तो दिया ऊपर कि यहाँ पर जो है ये मैनुअल CPC में बताऊंगा, लेकिन क्या कॉस्ट पर क्लिक, कौन सी है वो कॉस्ट पर क्लिक, ये यहाँ नीचे पूछ रहा है। लेट से 100 रुपीज कर देता हूँ, 100 रुपीज हर एक क्लिक के मैं देने के लिए राजी हूँ। क्लिक कर देता हूँ क्रिएट कैंपेन बटन पर। अब ये कैंपेन अपने आप चेक करेगा सब कुछ सही सलामत है या नहीं है, अगर सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं टेक्निकल, तो ये ऐड बन जाएगा। यानी कि शॉपिंग कैंपेन वाले ट्यूटोरियल को अगर फॉलो करना है आपको, तो आपके पास एक मर्चेंट सेंटर का जीता जागता अकाउंट होना चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट है नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन ये रहा टोटल तरीका शॉपिंग कैंपेन को चलाने का। अब जो अलग अलग एड टाइप थे गूगल एड्स के अंदर, वो सारे आपने देख लिए एक बार में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें अलग अलग बारीक चीजों को देखना होगा, ऑडियंस कैसे बनानी है, ऑडियंस सेगमेंट कैसे बनाना है, टारगेटिंग कैसे करना है, CPC कैसे घटाना है, राइट। तो इन सारी चीजों के ऊपर, बिडिंग स्ट्रेटजी वगैरह, इन सब के ऊपर हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स में एक एक करके बात करेंगे। तब तक के लिए इन सभी टाइप्स को याद कर जाओ, इनके ऑप्शंस को भी याद कर जाओ, ताकि हम अगली क्लास में वापस से सही से एडवांस ऑप्शंस को देखना चालू करें। तो आपकी शॉपिंग कंप्लीट हुई, शॉपिंग एड्स आई होप कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी कुछ जो सेटिंग्स बची हुई हैं, उन्हें हम आगे आने वाले स्पेसिफिक वीडियोस में देखेंगे, जहां पर हम और जो इंटरनल सेटिंग्स हैं, जो एक्सपर्ट सेटिंग्स हैं, उन सबको बनाना सीखेंगे। बहुत सारे पार्ट इस पूरी सीरीज में आने वाले हैं, अभी से थक कर नहीं बैठना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।